काफी दिन से अम्मी जान की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा, तो टीवी देखने को भी दिल नहीं जा रहा है, पानी दम करके देते हैं। जी बताया था ना पानी के, अभी तक मेरे पास तो पानी खत्म नहीं होता कि और नीचे सब पर आ जाता कि वाह ये वाला, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे पीरो मुर्शिद है सारे। कितने दिन से ऊपर थी, नीचे नहीं आ रही थी, तो सन्नाटा था जैसे घर में, तो जैसे हम लोग बैठे हुए थे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा को बात नहीं कर रहा। हाँ, इतनी उदासी थी नीचे, बिल्कुल मेरे आंसू भी रुक रहे हैं। और जिस माँ ने अपने लिए समेटी है और वो लोग बेचारे बड़े बदकिस्मत है जो अपनी रहमतें छोड़ते हैं। वो अनमोल तोहफे हैं कि अल्लाह की चीज़ है, इनकी कदर करना हम सब फर्ज है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ अल्लाह ताला सबको उसका करम करे। परेशान था डेफिनेटली, ये प्रोसेस से गुजरना, इस प्रोसेस से अब इसको चेंज कर नहीं सकते, तो लिहाजा इसमें जितनी सपोर्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। असद, मैं सकत बिनते फातमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। आज जो आप माशाल्लाह बिनते फातमा में रौनक देख रहे हैं, एक ग्रुप देख रहे हैं, मैं आपको तारुफ भी कराऊंगा। और रोटरी कराची कायद की तरफ से जो है आज टीम यहाँ पर आई है बिनते फातमा ओल्ड होम में, और फरजाना माँ को भी जो है वो बहुत एक हफ्ते 10 दिन बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा कि इतना लेट गैप कैसे आया, क्यों, क्या वजह थी, सब माओं से भी बात करेंगे और स्पेशली रोटरी क्लब ऑफ कराची कायद वालों से भी बात करेंगे कि जो हिम्मत देने आए माओं की, बिनते फातिमा की हिम्मत बने। अगर ये सब मिलकर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग नहीं सोच सोसाइटी को मैसेज बेसिकली ये देना है कि जो लोग इस वक्त परेशान हैं, डेफिनेटली ये प्रोसेस से गुजरना, इस प्रोसेस से अब इसको चेंज कर नहीं सकते, तो लिहाजा इसमें जितनी सपोर्ट इनको कर सकते हैं इस वक्त वो कोशिश करें, इसमें अपना एंड सोसाइटी जो अल्फाज है वो बयान के काबिल होते हैं ना, और बयान नहीं किया, ये वो अनमोल तोहफे हैं कि अल्लाह की चीज़ है, इनकी कदर करना हम सब फर्ज है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ अल्लाह ताला सबको उसका करम करे और अपने वालिद की खिदमत गुजार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, तो आप लोग हमारा क्लब जो है आपके साथ हमेशा खड़ा। मैसेज देना चाहूंगी कि पहले आप लोग आए, जैसे शेल्टर्ड होम होते हैं, हर तरह का लोगों का एक्सपीरियंस होता है, तो एक बार जरूर यहाँ आए, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद अपनी राय को आगे करें। Exactly. और चाहूंगी कि इस तरह के शेल्टर होम इतने नीट क्लीन और हर चीज की मौजूदगी है, या किसी चीज़ से हम लोग ऊपर नीचे फ्लोर पर देख कर किसी चीज़ से हमें कमी नजर नहीं आ रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरजाना माँ खुद अपने हाथों से पका भी रही होती है, वो हमने देखा भी है, तो जब इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह का काम हो रहा है, तो आगे बढ़ना चाहिए। आज आने का मकसद हमारा यहाँ पे यही था कि इन सबके साथ जो इनकी खुशियों में शामिल हुआ जाए, और मेरा ख्याल है हम उसमें कामयाब हुए हैं कि आप लोगों को खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आपने खाना इतना लजीज जो है आज दावत किया, इसलिए जो है सब बिजी है। बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून फील हुआ, जो हम इतनी रूटीन में इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है ना, तो एक ऐसा लगा कि यानी एक बैठना कंपनी होना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना, तो आप जब आते हैं और जब मिलकर बैठते हैं और कुछ अपने, यानी मुझे तो लगा कि मैं इनको देने से ज़्यादा इनसे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर जा रही हूँ, बिल्कुल है ना, ब्लेसिंग्स लेकर जा रही हूँ। तो दुआएँ और यही कि अल्लाह ताला तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो ये माओ के प्यार और जो यहाँ पर माशाल्लाह जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, और जिस मैंने अभी यही बात की कि हमें खुशहाल रहना है, यानी अच्छी तरह रहना है और एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। नहीं, आज माशाल्लाह नीचे आई जी, कहाँ एक हफ्ते से कहाँ थी, अम्मी आई, एक घर में रौनक हो गई सुबह को, मतलब अब हम रोज आते रहे। जी 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 बिल्कुल, तो असल हमारी नहीं थी ना, इतने दिन से ऊपर थी, नीचे नहीं आ रही थी, तो सन्नाटा था जैसे घर में, तो जैसे हम लोग बैठे हुए थे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा को बात नहीं कर रहा। हाँ, इतनी उदासी थी नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, जब माँ घर पे नहीं होती ना, तो हाँ ऐसा लगता है दिल हल्का कर लेते, जैसे ही उस माँ ने कदम रखा वहाँ फौर। काफी दिन से अम्मी जान की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा, तो टीवी देखने को भी दिल नहीं जा रहा है, ये होता है ना, ये आज बहुत दिनों बाद नीचे आई, बच्चों का प्यार होता है, जो कि मैं ना सबका जाएगा छोड़ के जाऊंगा। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले कैसी तबीयत है, ठीक है, हालांकि रोजमर्रा की रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
वो बस अटैक्स आए, एक आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है बच्चों का फिक्र तो माँ को ही होती है ना। सही बात है। तो शुक्र है अल्लाह का, कोई बात दिल पे ले ली मैंने। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हूँ। इतना इन्होंने परा पानी दिया और पढ़ाई की, दम शम भी किया, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। आज जिस तरह ये बच्चे आए हैं तो और रौनक हो गई घर में अल्हम्दुलिल्लाह, और माएँ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इनसे। तो अल्लाह पाक हर किसी को, हर किसी को ये तौफीक दे नेकी मांगने की और नेकी करने की और नेकियां छीनने की, कि हमने भी हिस्सा डालना है। क्योंकि हम लोग अपने अपने हिस्से के काम करें तो बेहतर है, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। कि घर जाएंगे तो घर बच्चों को बताएंगे, या बता के भी आए हैं कि हम आज वहाँ माओं के पास जा रहे हैं, अब जाके भी बताएंगे तो फिर वो उनमें भी वो जोश जज्बा पैदा होगा कि हम भी अपने घर में अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करें। तो ये सारे मामलात हैं। अल्लाह पाक हमें हर काम, हर प्यार, हर रिश्ता ईमानदारी से निभाने की तौफीक दे और हिम्मत भी दे। आमीन। और अल्लाह ताला ऐसे ग्रुप हम सब लोग रोज पानी दम करके देते हैं। बताया पता नहीं पानी के, अभी तक मेरे पास तो पानी खत्म नहीं होता कि और नीचे सब पर आ जाता कि वाह ये वाला, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे पीरो मुर्शिद है सारे। ये सब मेरे पीरो। मैं बहुत लकी है, मैं एक दफा मेरा जिला जाने का इत्तेफाक हुआ अमल के कार्डियो, तो वहाँ लोग तरसते हैं कि कोई उनको दम का पानी को यासीन पढ़ के दम देकर पानी दे दे, वहाँ उनको फेंक के चले जाते हैं। अगर आप कुछ दोगे तो वापस ये बोल रहे आप प्यार दोगे तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रिजवान आ गया था, अच्छा माशाल्लाह, प्रेसिडेंट नदीम कुरानी का, जिसकी परमिशन से आज का ये जो ग्रुप है वो कामयाब हुआ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारे साथ आए, हमारे साथ माशाल्लाह तमाम मेंबर्स जिन्होंने कोशिश की। जी जी अल्लाह ताला इन सबको जो है वो अजर दे। आमीन आमीन आमीन। सब माओं की दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और अल्लाह ताला आपका ग्रुप इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि आप सोसाइटी के हर एक तबके की मदद करें और इसी तरह खुद पहुंचे वहां पर। तो मौजूद नहीं है जैसे साथी गुटक साहब मौजूद नहीं है। जी जी प्लीज़ प्लीज़ साहब ख्वाजा साहब मौजूद नहीं है जिन्होंने कुछ सामान भिजवाया, उनको भी अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अफ़सर इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने शोर के जरिए भिजवाए, अच्छा माशाल्लाह, सबको आप लोग दुआ में बस बहुत याद रखिए इंशाल्लाह। तो जजाकल्ला जजाकल्ला। तो बस जी ज़बरदस्त था जो है वो खाना भी था साथ में, और इसके साथ साथ जो है सब माएँ जो है वो खाना भी खा रही हैं। जो लोग आए हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो कितना आए, इतना टाइम लेकर आए हमारे लिए, इतने जो इनके लेकर आए उनका बेहद शुक्रगुजार है। उनको आइंदा भी हम लोग कहेंगे कि हम आए और हम लोग के साथ रहे। इंशाअल्लाह आपका ईमान वो बहुत पुख्ता होना चाहिए कि जब आप अल्लाह से जो है जो चीज़ की तलब रखें तो अल्लाह जो है अपने बंदों का इंतखाब करता है। कि जिस तरह से आज रोटरी क्लब ऑफ कराची कायद ने जो है यहाँ पर वो काम किया, आप भी इस तरह आगे बढ़िए। इतने फातिमा कराची और इस्लामाबाद अपनी मदद का हाथ बढ़ाए रखिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाक।